इंग्लिश की फिक्रे पूछ रहा हूँ, आपने उनका जवाब देनी है, ट्रांसलेशन देनी है, ओके। वो किसके पास जाता है, इसकी इंग्लिश क्या है? वो किसके पास जाता है, वो किसके पास जाता है, किस वो किसके पास जाता है, क्या वो जाता है, इसकी इंग्लिश क्या है? क्या वो जाता है, डज ही गो। तो किसके पास की इंग्लिश क्या है? किसके पास उसकी इंग्लिश है, किसके पास? हु डज ही गो टू। हु डज ही गो टू। वो किसके साथ जाता है, दूसरा फिक्रा। वो किसके साथ, वो किसके साथ जाता है, किसके साथ जाता है, हु डज ही गो विथ। वो किसके साथ जाता है, हु डज ही गो विथ। वो किस लिए जाता है, वो किस लिए, why he go, ये भी ठीक है, why does he go, why does he go, किस लिए, for what does he go, for what does he go। वो कितनी दूर जाता है, how long does he go, ठीक है, how long, how far does he go, कितनी दफा जाता है वो, how many does he go, how many does he go, how many times does he go, how many times does he go, how often does he go। वो कितने वक्त के बाद जाता है, वो कितने वक्त के बाद जाता है, कितने वक्त के बाद, after how many time does he go, after how long does he go, after how long does he go। कल मैं आपसे कुछ फिक्रे पूछूंगा, उन फिक्रों को सुन लीजिए। क्या पहले वो कभी गया है, क्या पहले वो कभी गया है, वो जाने से पहले क्या करता है, जाने से पहले क्या करता है, वो किसके हाँ जाता है, वो किसके हाँ जाता है, वो कितनी दूर तक जाता है, वो कितनी दूर तक जाता है, वो कितना ऊंचाई पर जाता है, वो कितना ऊंचाई पर जाता है, वो जाते जाते रुक जाता है, वो जाते जाते रुक जाता है। अगर आपको इनकी इंग्लिश आती है तो कल मुझे लाजमी बताइएगा, अदरवाइज़ अगर आपको आती है तो आप इनको कमेंट्स में लिख सकते हैं।